हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरव पटेल, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल नीरव फूड मशीन में। आज मैं आपके सामने ले आया हूं फुल्ली ऑटोमेटिक चपाती मेकिंग मशीन। जैसे कि हम घर से हाथ से बेल के जैसे चपाती बनती है बनाते हैं, वैसी चपाती ये मशीन में बनेगी। आज हम देखेंगे कि ये मशीन में कैसे चपाती बनती है, पूरा डेमो कंप्लीट वीडियो के साथ देखेंगे आपके साथ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर हमारी चैनल पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और तो पहले हम देखेंगे कि मशीन की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है और उसके बाद देखेंगे मशीन ऑपरेट कैसे करते हैं, उसके बाद हम मशीन का डेमो देंगे। और डेमो के बीच में आपके सामने नहीं आऊंगा क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ मशीन के ऊपर फोकस करना है, मशीन के वर्क के ऊपर फोकस करना है और रिजल्ट क्या मिलता है उसके ऊपर ही फोकस करना है। तो हम पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मशीन के साथ आपको ये टूल किट दी जाएगी। ये ग्रीस की गन है, ग्रीस करने के लिए ये हाई टेम्परेचर और हाई लोड गियर ग्रीस आपको साथ में दिया जाएगा। ये बोल्ट भी साथ में दिए जाएंगे और ये सब टूल किट जो कि बोल्ट टाइट लूज करने के लिए आपको दिए जाएंगे, ये सब आपको साथ में मशीन के साथ में दिया जाएगा। तो दोस्तों, मशीन की जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मशीन का बॉडी जो है स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा किया गया हुआ, डिजाइन किया गया हुआ है, दिखने में लुक वाइज बहुत अच्छा दिख रहा है। इसमें पूरा एसएस डेडियम का बॉडी दिया गया हुआ है, मिरर ग्लास फिनिश दिख रहा है। ये मशीन का कैपेसिटी रहेगा 800 से 1000 चपाती पर आवर और इसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन दोनों का मिला के, चपाती प्रेसिंग मशीन और रोस्टिंग मशीन दोनों का मिला के 3 यूनिट पर आवर होगा। और रोस्टिंग मशीन का गैस कंजम्पशन 2 से 2.5 kg गैस पर आवर होगा। मशीन का पूरा वेट टोटल मिला के 450 kg होगा और मशीन इतना हैवी है तो इसको हटाने के लिए आसानी से नीचे व्हील भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप मशीन को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हो, इसमें कुछ परेशानी होगी नहीं आपको। मशीन में यहाँ पे 2 मीटर दिखाए गए हैं आपको, जो कि ये है कि मोटर का वोल्टेज दिखाता है और दूसरा मीटर ये है कि जो बर्नर की वजह से अंदर मशीन में टेम्परेचर जो क्रिएट होता है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। और ये जो कि MCB दिया गया है वो MCB मेन पावर सप्लाई का है, ये ऑन करते मशीन में पूरा पावर सप्लाई होगा। और ये जो स्विच है वो रोस्टिंग मशीन के बेल्ट का स्विच है, ग्रीन बटन दबाने से रोस्टिंग मशीन का बेल्ट स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो रेगुलेटर दिख रहा है वो बेल्ट का स्पीड कंट्रोलर है, जिसकी वजह से आप बेल्ट की स्पीड मेंटेन कर सकते हो। तो दोस्तों, मशीन की एक खास बात ये है कि अगर मशीन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, मशीन किसी भी वजह से रुक गया तो मशीन के अंदर ऑटो ब्रेक दिया गया है, जिसकी वजह से मशीन का मेन पावर सप्लाई है वो यहाँ से गिर जाएगा और एक्सीडेंट होने की संभावना बिल्कुल नहीं है मशीन में। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मशीन ऑपरेटिंग कैसे की जाती है। तो मशीन के ऑपरेटिंग में ये है कि पहले प्रेसिंग मशीन का जो प्लग है 15 एम्पीयर का प्लग रिक्वायर रहेगा, वो प्लग इन करके स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद ये रोस्टिंग मशीन का प्लग है वो भी 15 एम्पीयर का रहेगा, वो भी प्रेसिंग प्लग इन करके स्टार्ट कर देंगे हम। उसके बाद तो दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रेसिंग मशीन में यहाँ पे पावर आ गया है। तो प्रेसिंग मशीन के पीछे जो पैनल बोर्ड दिया गया है उसमें 2 एमीटर जो है वो अंदर जो हीटर दिए गए हैं उसका टेम्परेचर दिखाता है यहाँ पे, और जो ए मीटर है वो मोटर का एम्पियर और ऑन ऑफ स्विच के लिए दिया गया हुआ है। और ये ग्रीन बटन मोटर का ही ऑन ऑफ का स्विच है। और ये जो MCB है वो हीटर स्टार्ट करने के लिए MCB दी गई है। तो हम पहले हीटर स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि इसमें दिखा रहा है हीटर ऑन हो गया है। वो हमने हीटर स्टार्ट किया तो हमको हमें यहाँ पे दिखा रहा है ये रूम टेम्परेचर जो है वो, तो हम देखते हैं ये हीटर कहाँ तक ऊपर जाएगा। तो ये सेट बटन दबाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये टेम्परेचर कितना सेट किया हुआ है, दोनों मीटर में 250 सेट किया हुआ है। अगर आपको टेम्परेचर कम करना है तो ये आपको नीचे वाला एरो प्रेस करके रखेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, और ऊपर वाला एरो करेंगे तो टेम्परेचर अप हो जाएगा। ये 250 होके हमने सेट बटन दबा दिया तो 250 सेट हो जाएगा और दोनों मीटर में हमें टेम्परेचर सेम ही रखना है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि टेम्परेचर हमें कब बढ़ाना है और कब कम करना है। जब मशीन के अंदर से रोटी फटी हुई निकलती है तो हमें फटी हुई निकले, होल जैसा दिखे, क्रैक होके निकले तो हमें टेम्परेचर कम करना रहेगा। और जब अंदर से अंदर रोटी चिपकती रहती है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, और टेम्परेचर 5-5 डिग्री के बीच में बढ़ाना रहेगा हमें। तो ये मशीन में आप थिकनेस एडजस्टेबल कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, वो उसमें दिया गया हुआ है। अब हम देखेंगे कि रोस्टिंग मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है। वो हम रोस्टिंग मशीन में गैस का कनेक्शन लगा देते हैं। यहां से हम मशीन का डोर ओपन करके अंदर देख सकते हैं। यहाँ
यहाँ पे चार बर्नर दिया गया हुआ है, चार वाल्व दिया गया है, जो कि ये पहला वाला ऊपर वाला वाल है वो ये ऊपर वाले बर्नर का है, दूसरा वाला वाल दूसरे वाले बर्नर का है, तीसरा वाला वाल ये तीसरे पफर का है, और ये जो चौथा वाला वाल है वो ये बर्नर का है, लाइटर का है, जिसकी वजह से हम ये बर्नर स्टार्ट कर सकते हैं। हमने ये पायलट बर्नर चला लिया है, लाइटर चला लिया है, हम पहला वाला वाल ओपन करके पहला वाला बेल्ट को पहला वाला बर्नर चलाएंगे, ये दूसरा वाला वाल ओपन करके दूसरा वाला बर्नर लगाएंगे, ये सब स्टार्ट हो गया है बर्नर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम इसको बुझा देंगे। बर्नर ऑन करने के बाद हमें तुरंत ही और मशीन को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि मशीन एक जगह पे बेल्ट गर्म ना हो इसलिए। तो मशीन स्टार्ट करने के लिए ये मेन एमसीबी स्टार्ट करना है पहले आपको, ये स्टार्ट करने के बाद ये ग्रीन वाला बटन दबा देंगे तो ये बेल्ट का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। और ये बेल्ट स्पीड कम ज्यादा करने के लिए आप ये कंट्रोल दिया गया है, आप यहाँ से स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको 20 की स्पीड पे रखते हैं। अब हम 5 मिनट वेट करेंगे ताकि ये प्लेट जो है बेल्ट गर्म हो जाए। तो हमारे रोस्टिंग मशीन में यहाँ पे टेम्परेचर 150 डिग्री आ गया है, तो यह मशीन हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा प्रोसेस। और ये प्रेसिंग मशीन में 250 डिग्री आ गया है, तो ये भी हमारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से मोटर को स्टार्ट करेंगे। तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए ये बड़ा वाला ग्रीन बटन और ये छोटा वाला ग्रीन बटन दोनों एक साथ प्रेस करना है हमें। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मोटर स्टार्ट हो गया है। ये जब पोर्शन ऊपर आता है तो हम आटे का गुल्ला रखना है हम यहाँ से। पहले हम यहाँ पे आटे का थोड़ा पाउडर लगा देंगे ताकि हमारा चपाती फिसल के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए। देख सकते हैं आप ये चपाती कितना स्मूथ बना हुआ है, ये बिल्कुल घर पे बनाई चपाती जैसी ये चपाती बनी हुई है। पूरा रोस्ट भी हो गया, पक गया पूरा दोनों तरफ। पूरा फूल गया है और पक भी गया है पूरा। ये कोई भी चपाती देख सकते हैं आप इसमें से। और ये चपाती का साइज तो चपाती के आटे के गुल्ले के ऊपर डिपेंड रहेगा। आप जितनी जो साइज का आटे का गुल्ला बनाएंगे वो साइज का चपाती निकलेगा इसमें प्रेस होके। तो दोस्तों हमारा
नहीं, हमको मशीन को ऑफ करने के लिए हमें पहले ये बर्नर ऑफ करना रहेगा। ये तीनों बर्नर हमने जो स्टार्ट किया था वो बंद कर देना है, तो गैस का वाल्व बंद हो जाएगा। इसके बाद हम प्रेसिंग मशीन को ऑफ करेंगे। यहाँ से प्रेसिंग मशीन को ऑफ करने के लिए पहले ये ऑफ वाला लाल बटन दबाएंगे तो मोटर बंद हो जाएगा, और उसके बाद हम हीटर का एमसीबी ऑफ कर देंगे और हमारा काम खत्म होता ही। रोस्टिंग मशीन को हमें 5 से 7 मिनट के लिए बेल्ट को चालू रखना पड़ेगा, सिर्फ बेल्ट को चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि बेल्ट तुरंत बंद कर देंगे तो गर्म हुआ हुआ इसकी वजह से पेजिस्टल जाम होने की संख्या हो सकती है, इसलिए हम 5 मिनट तक चला रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम बंद कर सकते हैं उसको। तो दोस्तों आखिर में इतना ही कि अगर कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये मशीन आप अपने होटल यूज, रेस्टोरेंट यूज, हॉस्टल यूज और चपाती मेकिंग मशीन का बिजनेस भी कर सकते हैं, इस मशीन को यूज कर सकते हैं। और इस मशीन की ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पर हमारा वेबसाइट दिया है www.rtindustry.in और नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी दिया है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।